नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। सूरत से 1206 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन में इटारसी भुसावल के बीच आजमगढ़ जनपद के उचेली गांव की रहने वाली चंद्रकला ने बेटी को जन्म दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। रेलवे के डॉक्टर यात्रियों द्वारा चंद्रकला की डिलीवरी कराई गई और बेटी के जन्म होने पर यात्रियों ने बोगी में ही जमकर जश्न मनाया। सूरत से 1206 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन जब इटारसी भुसावल के पास पहुंची, तभी दीनानाथ की पत्नी चंद्रकला को प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन से मदद मांगी। चंद्रकला के पति ने बताया कि रेलवे से मदद मांगने के 3 घंटे बाद रेलवे के डॉक्टर व स्टाफ आ गया। रेलवे के स्टाफ को यात्रियों की मदद से सामान्य महिला की सामान्य डिलीवरी कराई गई। जरूरी दवाएं भी रेलवे के डॉक्टरों ने उपलब्ध कराई। आजमगढ़ पहुंचने पर आजमगढ़ महिला अस्पताल की डॉक्टर स्मिता राय ने बताया कि महिला की डिलीवरी रास्ते में हो गई और अस्पताल में आवश्यक दिशा निर्देश जच्चा बच्चा को दिया गया। आजमगढ़ पहुंचने पर एम्बुलेंस से उन्हें जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी देखरेख भी हुई। अब देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं स्मिता राय यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। सूरत से आज एम्बुलेंस में एक पेशेंट आई है जिसका नाम चंद्रकला बताया गया है। पेशेंट एम्बुलेंस में है जिसकी डिलीवरी रास्ते में भुसावल जगह पे शायद हो चुकी थी। पेशेंट के पास सारी दवाएं अवेलेबल थीं। हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया है। डॉक्टर असलम आए हैं, पेशेंट को देखे हैं, आवश्यक उपचार करने के बाद उसको घर के लिए वापस कर दिए हैं और उसको सलाह दिया गया है घर पे जाके फैमिली के जो 4 मेंबर साथ में हैं वो भी आइसोलेट हो जाएं और घर में क्वारंटीन रहें। साथ ही पेशेंट की भी पूरी केयर की जाए, अगर कोई दिक्कत होती तो इन्फॉर्म किया जाए। उनको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करा दिया गया है हॉस्पिटल का।